नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकबोन अमित पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे जितने भी आने वाले वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले में, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन है। फ्रेंड्स, इसका नाम पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, जो अब चेंज हो चुका है। वीडियो पूरा फ्रेंड्स ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट ज़्यादा करें। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग हर एक चीज़ चेंज हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पीछे आपको यह मंदिर चेंज दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मार्बल वगैरह लग चुके हैं। और हर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर भी आपको एक तिरंगा झंडा देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे देश की शान है। इसे रेलवे स्टेशन पे काफ़ी पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है अगर किसी भी देश के लोग यहाँ आते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए, देर से ही सही लग तो गया जो हमारे देश की शान है तिरंगा झंडा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि यह दीनदयाल का छोटा सा पार्क है, जो कि फाउंटेन जैसा इसमें पानी फ्लो होता है और भी कई तरह की इसमें लाइटें जलती हैं, जो कि आप सभी को रात के टाइम देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले तो यह काफ़ी जगमग हुआ करता था, लेकिन कुछ लाइटें ख़राब हो गई हैं जिसे अभी तक रिपेयर नहीं किया जा चुका है। कुछ लाइटें पहले ख़राब हुई थी तो उन्हें रिपेयर किया गया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया है। सबसे ज़रूरी बात ये फ्रेंड्स कि सरकारी चीज़ों में यही प्रॉब्लम होता है कि कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो उसे समय से चेंज नहीं किया जाता है, यानी कि वो सामान आकर सरकार द्वारा यानी कि दिया तो जाता है, लेकिन उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं किया जाता है। तो इसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जो आदमी को सही नहीं लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन बन गया है पहले की अपेक्षा, आप सभी को नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। और ये फ्रेंड्स हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। आपको बता दें, यहाँ से लगभग हर रोज़ 300 गाड़ियाँ गुजरती थीं, लेकिन इस समय काफ़ी कम गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, इसलिए क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है फ्रेंड्स, तो कुछ गाड़ियां बंद हैं, जिसकी वजह से यहां पे काफ़ी कम गाड़ियां रुक रही हैं, चल रही हैं। यहां पे प्लेटफॉर्म की संख्या आपको 8 देखने को मिलेगी और ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड माना जाता है। इसका नाम पंडित दीनदयाल हो गया है, जो कि एक समाज सुधारक थे, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है, जो कि काफ़ी पहले से यहाँ मांग होती रही है, लेकिन न होने के कारण यहाँ पे काफ़ी लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि नाम चेंज हो चुका है, नाम लग गया है, जो कि आप सभी के सामने है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात आप जान लीजिए, पंडित दीनदयाल जो थे वो समाज सुधारक थे, उसके साथ साथ एक नेता भी थे, तो उनकी मृत्यु इसी रेलवे स्टेशन पे हुई थी, जिनके नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया। तो ऐसे ही बहुत कहानियां हैं फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं, यह सभी प्लेटफॉर्म पे जाने का एरिया है, यानी रेलवे स्टेशन के अंदर से आप आते हैं तो इसी एरिया में आएंगे, जो गलियारा टाइप है। तो यहाँ आने के बाद आप सभी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, यहाँ पे टीटी वगैरह काफ़ी रहते हैं, तो सतर्क होकर जाइए और प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी आप सभी को फ़ायदा होगा। और आपको बता दें कि यहीं पर
काफ़ी अच्छा का वर्क हुआ है, जो कि स्वचालित सीढ़ी आरंभ की गई है जो कि लिफ्ट कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पे एक नया है जो कि पहले आपको कैंट रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता था। अब लगभग हर रेलवे स्टेशन पर आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ फ्लैग देखने को मिलेगा, उसके साथ ही स्वचालित सीढ़ी भी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा हो चुका है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि पहले मुगसरा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे काशी की लगभग हर एक कलाकृति देखने को मिलेगी दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात आप सभी को बता दें तो पहले चंदौली और वाराणसी दोनों एक ज़िले थे, लेकिन कुछ कारणों से इन्हें अलग कर दिया गया, तो कुछ निशानी वाराणसी की आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप सभी देख सकते हैं ये काशी के घाट हैं, जो कि वहाँ के मंदिर, वहाँ के घाट और वहाँ की बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे सारनाथ का, गौतम बुद्ध जी का ये यहाँ पे चित्र बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये यात्री सुविधाएं ECR पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यानी कि यात्रियों से संबंधित कुछ सुविधाएं हैं जो यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से सभी यात्रियों को दी जा रही हैं। देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 2 के लिए क्या है, सर्कुलेटिंग एरिया क्या है, सब कुछ वहाँ पे दिया गया था फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं स्वचालित सीढ़ी, जो कि काफ़ी नया लगाया गया है। ये ही पूरी रेलवे स्टेशन पे आपको सबसे सुंदर दिखाई देने वाला है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है, तो सभी की निगाहें यहीं पर जाएंगी। फ्रेंड्स, इस समय स्वचालित सीढ़ी नहीं चल रही है, और ये आप सभी एरिया देख सकते हैं जो कि आपको एंट्री करते टाइम ये एरिया देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि लगभग बनारस के हर एक चित्र को ऊपर लगा दिया गया है, यानी कि लगभग हर एक घाट को यहाँ पे दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से, और यहाँ पे घड़ियाँ नहीं लगी हैं, यहाँ के टाइल्स मार्बल भी नए लगे हैं दोस्तों। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये टाइम लगाया गया है, ये काफ़ी नया है, पहले ऐसा नहीं था। रंग रोगन भी काफ़ी किया गया है, क्योंकि करोड़ों रुपया इस रेलवे स्टेशन के लिए पास किए गए हैं। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, इतना चहल पहल नहीं था, इतना साफ सफाई नहीं था, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका है दोस्तों। कई जगह मल्टी स्क्रीनिंग भी लगाई गई है, और बड़ा सा यहाँ फैन भी लगाया गया है, देख सकते हैं आप सभी, जो कैंट रेलवे स्टेशन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब काफ़ी अनोखा है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कीप सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड्स। हर हर महादेव। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.